हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वैलेंटाइंस डे मेकअप लुक। बहुत कोई है जो वैलेंटाइंस डे में बहुत ज़्यादा हेवी और बोल्ड मेकअप नहीं चाहते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही लाइट सा ये मेकअप, जो आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही ईजी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है देखने के लिए हाउ टू क्रिएट दिस लुक, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सबसे पहले मैं यहाँ अपनी स्किन को प्रेप करूँगी, तो उसके लिए मैंने फेस वॉश कर लिया है। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पेरिस का रिवाइटल माइक्रो एसेंस। सीरम के लिए मैं यहाँ लॉरियल पेरिस का 1.5% हेलोरोनिक एसिड सीरम यूज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ न्यूट्रीडर्म का विटामिन ई मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। मैं यहाँ आप सबके साथ बहुत ही अच्छा सा एक टिप शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपके पास कलर करेक्टिंग करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप वहाँ रेड या ऑरेंज कोई भी कलर का लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं। करके दिखाऊंगी कि आप कैसे कर सकते हैं। बस बस ले लेना है लिपस्टिक जो भी है, और उसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, हमेशा मिक्सिंग प्लेट में या तो आप बैक ऑफ हैंड में लेना है, फिर उसको ऐसे करके ब्लेंड कर लेना है, उसके बाद आपको यूज़ करना है। मैं यहाँ पे अपने फिंगर के हेल्प से इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी। यहाँ लिपस्टिक को यूज़ कर रही हूँ कलर करेक्टिंग करने के लिए। जब भी आप यूज़ करें तब आपको मैट लिपस्टिक यूज़ करना है। आप अगर क्रीमी या ग्लॉसी लिपस्टिक यूज़ करेंगे तो वो आपके स्किन में ड्राई नहीं होगा। मैट लिपस्टिक आपके स्किन में बहुत जल्दी से ड्राई हो जाता है। तो जब तक मैं इसे ड्राई करने दे रही हूँ, तब तक मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बायोटेक का बायोफ्रूट लिप बाम। मैं फाउंडेशन के लिए यहाँ यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन। मेरा सेड नेम है ब्रॉन्ज बेज। मैं इसे अपनी बैक ऑफ हैंड में लूँगी। कभी भी आप फाउंडेशन डायरेक्ट निकाल के अपने फेस में अप्लाई ना कर लें, उसको हमेशा अपने बैक ऑफ हैंड में लेके अच्छे से उसको ब्लेंड करके वार्म अप कर लेना है, ताकि फाउंडेशन जो है वो पतला हो जाए और आपके स्किन में बहुत अच्छे तरीके से वो ब्लेंड हो पाए। मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेके इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ। के लिए यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, नंबर है 03। मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर लेके इसको ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं यहाँ अपने आईब्रो फिल कर लूँगी, तो उसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का आईब्रो पाउडर। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट है। तो मैं अपनी स्पूली से अपने आईब्रो को कोम कर लूँगी, इससे जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो हट जाएगा। मैं अपने आईब्रो को ओवरड्रॉ नहीं करूँगी, मेरे आईब्रो में जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि गैप है मैं उसको ही बस फिल करूँगी, क्योंकि ऐसे ही मेरा आईब्रो बहुत ज़्यादा डार्क है। अब फिर मैं स्पूली से अपने आईब्रो को कॉम कर लूँगी। अब मैं सेम कंसीलर से अपने आईब्रो को थोड़ा शेप दे दूँगी। मैं सेम कंसीलर अपने आईलिड में अप्लाई करूँ एज ए आई शैडो बेस। मैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक आई लुक करने वाली हूँ, जो आई लुक करने में आपको 3 to 5 minutes लगेंगे। अब मैं अपने फेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन न्यूयॉर्क का कॉम्पैक्ट। उससे पहले मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अपने जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था उस जगह को मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि कोई भी क्रीज ना पड़े। If you wanna leave this town, baby, I'm lost.
अब मैं अपने फेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ सुगर का कंट्रोल दी फोर्स मिनी पैलेट, और मेरा सेड नंबर है 01 टॉप टॉपर। नोज को कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ ये पतला सा एक ब्रश यूज कर रही हूँ जो होता है। अब ब्लश के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मिस रोज का ब्लश पैलेट। तो मैं यहाँ ब्लश के लिए यहाँ जो कोरल सा कलर है मैं इसको अप्लाई यूज़ कर रही हूँ। मैं आई शेडो के लिए सेम ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ, एक कोरली पिंक कलर ले रही हूँ। मैं पूरे आईलिड में बस इसी एक ही कलर को अप्लाई कर रही हूँ। सेम कलर मैं अपने लोअर लैश लाइन के नीचे भी अप्लाई करूँगी। आईलाइनर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पर्पल का विंगिंग टुगेदर काजल। मैं इस काजल को अपने लैश लाइन के क्लोज अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे हम लोग आईलाइनर यूज़ करते हैं वहाँ। अब मैं एक ब्रश ले रही हूँ, अब इसे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूँगी पहले। अब मैं यहाँ अपने ऑल टाइम फेवरेट वेट एंड वाइल्ड का रोज इन दी पैलेट से डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ। इसको मैं इसके ऊपर ही अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं सेम काजल को अपने लोअर वाटर लाइन में भी अप्लाई कर रही हूँ। मैं पूरा अप्लाई नहीं करूँगी, मैं लोअर वाटर लाइन का हाफ तक मैं इसे अप्लाई करूँगी। सेम ब्राउन शेड को लेके अपने लोअर वाटर लाइन का जो काजल है उसे मैं ब्लेंड करूँगी। अब मैं यहाँ स्विस ब्यूटी का प्रिसिशन मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। इस मस्कारा को मैं अपने आईज के अपर आईलैश और लोअर आईलैश में अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ यूज़ की हूँ NYB का लिक्विड लिपस्टिक, मेरा सेट नंबर है अंडर दी ग्राउंड 3। अब मैं यहाँ पूरे फेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का अल्टीम प्रो मेकअप फिक्सर। अब मैं यहाँ हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटर, मेरा सेट नंबर है ब्लॉसम ग्लो। इयररिंग के लिए मैं यहाँ ज्वेल गैलेक्सी का इयररिंग यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही क्यूट सा एक इयररिंग है, आप देख सकते हैं। तो गाइस ये था आज का फाइनल लुक, कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।